महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है और सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी से मदद की बात कही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार अपनी कुर्सी बनाए बचाने को लेकर पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इसी कोशिश के मद्देनज़र उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फ़ोन करके बात की है। आपको बता दें, आला नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे की फोन लाइन पर आने से मना कर दिया। यानी यहाँ सीधे तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए देवेंद्र फडणवीस को फोन किया गया था। देवेंद्र फडणवीस से फोन पर मदद मांगी गई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग के बीच में इस फोन कॉल वाले पूरे विवाद को शिवसेना ने नकार दिया है। शिवसेना का कहना है, उद्धव ठाकरे को जो भी बात करनी है वो खुलकर सामने आकर करते हैं, पीछे की खिड़की से फोन पर बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा नेताओं की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि यहाँ देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने फोन किया है और उद्धव ठाकरे की मंशा यही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक बार फिर से महाराष्ट्र में हाथ मिला ले। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।